या हेलो एवरी वन वेलकम टू क्वान्टिफायर सो स्टूडेंट्स टूडेव टेकन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री देखो यार ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है uh, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ किर आर ट्वेंटी टू क्वेश्चन इन क्वॉन्ट सो यू विल ईजीली फाइंड एटलीस्ट फोर टू फाइव क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री तो आप ज्योमेट्री अच्छे से करो सब लोग uh, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करें खुद से सॉल्यूशन देखने से पहले आई लेट मी ऑल्सो टेल यू इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हो कि आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स तो प्लीज़ गूगल फॉर्म फिल कर देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है इसके अलावा स्टूडेंट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम वी ऑल्सो हैव अ फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप

So let's say we have triangle ABC. Let's say this is the point P. We know that PA is five, PB is six, PC is eight okay so let us write down all the values p a 5 pb 6 pc 8 we also know that angle a p b is 120 degrees so we evil angle may given a 120 or apc is given 150 degrees okay so this is 150 degrees right so i hope you can find the remaining angle bpc in a complete सर्कल इज थ्री 90 डिग्री डिग्रीज आ जाएगा okay. अभी देखो इसमें क्या कंसेप्ट एक बार वो भी जल्दी से बता देता हूँ हो सकता है आपने से कई लोगों को ना पता हो आई एल टेल यू अबाउट कोसाइन रूल कोसाइन रूल कब कैसे यूज होगा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ सो टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी वर्टेक्स ए के सामने मैंने साइड ले ली स्मॉल ए वर्टेक्स बी के सामने मैंने साइड ले ली स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने मैंने साइड ले ली स्मॉल सी अब कोसाइन रूल क्या होता है और जनरली हम कब इसे यूज करते हैं सी विल यूज दिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन एनी टू साइड्स आर गिवन एंड एनी वन एंगल इज गिवन अगर आपको कोई दो साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है राइट right? तो अगर आपने थर्ड साइड निकालनी है

बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का स्क्वा समी स्क् प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स बी इंटू सी बी इंटू सी दिस इज कोसाइन रूल अब ऐसे ही अगर कोसाइन रूल मान लो मुझे एंगल बी में लगाना है है ना तो अभी एंगल बी के सामने कौन सी साइड है स्मॉल बी तो स्मॉल बी को नहीं लेंगे बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एंगल बी के सामने वाली साइड इज स्मॉल बी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए इंटू सी ओके टू टाइम्स ए इंटू सी आई होप सबको फॉर्मूला समझ में आ गया ऐसी एक बारी मैं लिख देता हूं मान लो मुझे कोसाइन रूल लगाना है एंगल सी पे राइट right? एंगल सी के सामने साइड है स्मॉल सी हाँ तो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ए इनटू बी तो कब हम कोसाइन रूल यूज करेंगे अगर मान लो हमें कोई दो साइड्स पता है और एक एंगल पता है और हमने थर्ड साइड निकालनी है देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल अप्लाई कोसाइन रूल तो अभी एक बार

9.5 के आसपास आ जाएगी, ठीक है? तो ले लेते हैं, भी थोड़े दूर दूर दिए हुए है ना सो so, हम अगर भी लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सो दिस विल बी क्लोज टू नाइन पॉइंट फाइव सिमिलरली स्टूडेंट्स वी कैन अप्लाई साइन रूल इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल पी ठीक है एक बार इसकी length लिख लेते हैं ये नाइन पॉइंट फाइव आ गया था तो अगर कोसाइन रूल में लगाऊंगा इस ट्रायंगल में ट्रायंगल पीएसी में एंड नो अगेन यू कैन सी वी नो टू साइड्स वी नो वन एंगल वी कैन फाइंड दिस साइड सो आई विल अप्लाई कोसाइन रूल इन एंगल 150 कॉस ऑफ 150 दिस विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 5 टाइम्स 8 नाउ cos ऑफ 150

यासिम मैं एसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। आप एप्रोक्सीमेट निकाल लो एग्जैक्ट निकालने की तो जरूरत है नहीं नाउ वी नो दैट 12 स्क्वायर इज 144 राइट right? 13 स्क्वायर इज 169 सो इफ यू कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी एप्रोक्सीमेटली 12.5 ओके एप्रोक्सीमेटली 12.5 तो ये वाली वैल्यू 12.5 आ गई स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस इज अट एंगल ट्राइंगल अब यहाँ कोसाइन रूल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको दो साइड्स पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो अगर एट स्क्सर प्लस एट स्क्ट बी स्क्सर प्लस एट स्क्न डू इटलीज हंड्रेड तो बीसी स्क्वासी की वैल्यू कितनी आगे टेन आगे सो नॉ स्टूडेंट्स वी कैन कैलकुलेट दी अप्रॉक्सिमेट पेरीमी नाइन पॉइंट फाइव प्लस ट्वेल्व पॉइंट फाइव प्लस टेन

आप सबको बस एक चीज पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल की कोई भी दो साइड अगर हम ले लें है ना ट्राइंगल की कोई भी दो साइड ले लें उनका सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है आई होप एवरी वन इज अवेयर ऑफ दिस फॉर एक्साम्पल इफ एव टेकल ए बी सी सो इफ यू टेक एनी टू साइड इफ यू टेक सम ऑफ एनी टू साइड इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर थर्ड साइड मतलब ए प्लस बी का सम से बड़ा होगा बी प्लस सी का सम से बड़ा होगा ए प्लस सी का सम से बड़ा होगा सो दिस विल वर्क ऑलवेज दैट सम ऑफ एनी टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड अगर मैं सिर्फ इस कंसेप्ट को यूज करता तो मैं बहुत जल्दी आंसर निकाल सकता था कहने से इन ट्राइंगल पी ए बी इन ट्राइंगल पी ए बी इफ आई हैव हैव वन ऑफ साइड्स आई अदर साइड एज फाइव तो सम ऑफ टू साइड्स कितना आ गया सम ऑफ टू साइड्स 11 आ गया कहने से सम ऑफ टू साइड्स विल बी ग्रेटर देन ए बी इससे हमें ए बी के बारे में क्या पता लग रहा है वी कैन डेफिनेटली से दैट ए बी विल बी लेस देन 11 आई होप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं क्योंकि अगर बाकी दोनों साइड्स का सम 11 है तो थर्ड साइड तो 11 से डेफिनेटली कम होगी

answer has to be less than 34 now you can see the options there is only one option which is less than 34 so 32 has to be the answer so this was the only reason I have taken this question कि options को भी हम अच्छे से use कर सकते हैं अगर options given हैं उनको use करने की कोशिश करें right else if you solve it by a normal method it will take a lot of time so I hope students आपको video पसंद आया होगा यार अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना लाइक कर देना दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो थैंक यू एवरीवन